आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में आज सुबह के दौरान ठंड के मौसम पर घने कोहरे के कारण सड़क मार्ग पर लोगों को परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा है एवं ठंड के चलते लोग अपने घरों में मौजूद थे। वहीं घने कोहरे के कारण यातायात में भी काफी असर पड़ रहा था। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट की भी संभावना बनी हुई थी। वाहन चालक हेडलाइन की रोशनी में अपने वाहनों को लेकर आगे बढ़ रहे थे एवं सामने से आते हुए वाहन कम दिखाई पड़ रहे थे एवं ठंड और कोहरे के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। वहीं घने कोहरे के बीच स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति प्रयास करते हुए देखी गई। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हुए स्टेडियम ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह के दौरान घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे सुहाने मौसम को देखने के लिए लोग दूर दराज तक जाते हैं, लेकिन कोहरे के कारण आज यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है। किंतु सड़क मार्ग पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, जहां सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहनों को चलाएं, जिससे सड़क मार्ग पर हो रही घटनाओं को रोका जा सके। सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। गांधी चौक पर रहने वाला हूँ। इतनी भारी कोहरा है कि एक फीट से आधी आदमी को नहीं देख पा रहा है। मौसम का बहुत भारी ठंड है, कई लोग ठंड का कारण बीमार में भी इतना कोहरा है कि आदमी को संभल के चलना चाहिए। मैं भीषण कुमार सचदेव आज सवेरे निकला हूँ। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर घूम के आ रहा हूँ। बिल्कुल धुंध टाइप की बनी हुई है चारों तरफ, और ऐसे में सब कुछ संभल के चलना चाहिए। मौका को देखते हुए घरों में रहे लोग आराम से। मौसम जो है लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकता है। अब जबकि जिसको निकलना हो कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से निकले। बहुत ही कोहरा है और इसका ये है कि जो हाईवे में गाड़ी चलाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है और खेती करने वालों को पाला पड़ सकता है। और यहाँ खिलाड़ी जो हैं इसका आनंद ले रहे हैं कोहरे का। इसका कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो फायदा तो आप देख रहे हैं, खिलाड़ी लोग इसको मस्ती के मूड में हैं और शिमला मनाली जैसा हाल है उमरिया का। लेकिन जो हाईवे में जो मतलब दुर्घटना ग्रस्त होने की संभावना है गाड़ियों की, तो पार्किंग लाइट जला रहे हैं लोग। तो उनको से अपील है कि ड्राइव करते समय यातायात नियमों का पालन करें, जिससे हम कोहरे से बच सकें। आज उमरिया का मौसम सुबह से ही जबरदस्त फॉगी रहा। इस फॉगी मौसम को देखने के लिए लोग हम दूर दूर जाते हैं, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये है कि हमारे यहाँ की विजिबिलिटी बहुत कम थी आज। इससे गाड़ियों को चलने में बहुत परेशानी होती है। जो व्यापारी वर्ग है आज सुबह से दुकान वकान लगाने में बहुत दिक्कत है, और अत्यधिक कोहरे होने के कारण परेशानियाँ तो होती सबक, लेकिन मौसम एक खुशनुमा रूप बना कर रखा हुआ है। घनघोर कोहरा छाया हुआ है, जो कि जैसा अक्सर होता ही रहता है। अपना एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ अक्सर ठंडियों के टाइम में कोहरा होता रहता है। तो कोहरा लेना, कोहरा होना एक लाजमी बात है। लेकिन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे रोड में चल रहे हैं यातायात के वाहन और जितने भी लोग हैं जो चल रहे हैं, तो सुरक्षित चले, हेलमेट लगा के चले। और साथ में जो खेती में प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी सरकार कुछ ना कुछ तो मदद करेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा करें। ये एक प्राकृतिक घटना है, कोहरा होना एक प्राकृतिक घटना है, ये तो होता ही रहता है। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप अच्छे से अपने सुरक्षा का ध्यान दें, सेफ्टी का ध्यान दें। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। यदि आपका जीवन है तो सेफ्टी जरूरी है। और बढ़िया, काफ़ी अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है, लोगों को देख रहे हैं, सबको एक दूसरे से घुल मिल रहा है, ग्राउंड अच्छा खासा, बहुत प्यारा मौसम है भैया। आज मौसम का थोड़ा रुख बदला हुआ है, काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है, विजुअलिटी कम दिखती है। अभी मैं बच्ची को छोड़ने गया, पूरी जर्किन मेरी गीली हो गई। तो सभी से निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करते हुए और अपने बाइक या फोर व्हीलर की लाइट ऑन कर लें। और जो मौसम विभाग ने भी बताया है कि आने वाले 10 दिसंबर से और भी घना कोहरा और ठंड कड़ाके की पड़ने वाली, तो सावधानियां बरतें और ठंड से बचें। कोहरे को देखते हुए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहाँ भी हमारे जो फोर व्हीलर और हाई वाहन जो चलते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि धीमी गति से चलाएं और दुर्घटना से देरी भली का सिद्धांत पालन करते हुए और अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचे। कोहरा चलते बहुत नुकसान, तो खेती पूरी बर्बाद हो रही है, ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा है कि आदमी सब परेशान है।
और हर साल होने को नहीं होना है। इतने में आदमी चलना बहुत मुहाल हो गया है, क्योंकि इतना कोहरा छाया है, ये आज सामने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। एक्सीडेंट की संभावना है पूरी, मतलब हाईवे में एक्सीडेंट की बहुत बड़ी संभावना है। अब आदमी को लाइट जलाए हैं, लेकिन उसके बाद ही सेफ्टी काम चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं देते। आदमी इतनी स्पीड से चलते हैं, ये एक्सीडेंट की संभावना पूरी तरह है।